हेलो फ्रेंड्स, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एम पी शर्मा। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, हमारे शत्रु या मित्र, इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और उम्मीद है आपने पहले दोनों वीडियो देख ली हैं और उनको एंजॉय किया होगा। यदि आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप उनको देखें, एंजॉय करें। सरल भाषा के वीडियो हैं और अब तीसरा पार्ट अपन शुरू कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में अपन समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। तो ये तीन फैटी एसिड नहीं बनते हमारे शरीर में, ये पॉली अनसेचुरेटेड कहलाते हैं। और उनको समझने के लिए अपन बात यहाँ से शुरू करते हैं। ये स्टेरिक अम्ल है जो घी में मिलता है, जैसे हमारे को 18 कार्बन की श्रृंखला है। ये इतना विस्तार से समझना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं रह जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता पूरी बात समझे बिना। तो 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन समझते हैं इसको। पहला कार्बन जिस पर ये O और OH है, इसको अल्फा कहते हैं, और आखिर वाला जिस पर CH3 है उसको ओमेगा कहते हैं। 18वां नंबर है, ये 18 का है और बीच में कहीं भी लाल लाइन नहीं है। ये संतृप्त है, ये हमारे शरीर में बनता है। ओलिक अम्ल है, ये भी 18 का है। ये वही अल्फा, पहला कार्बन अल्फा ही कहलाएगा। ये अल्फा और ये ओमेगा। अंतिम कार्बन जिस पर ये H3 जुड़ा हुआ है वो ओमेगा। इसमें इस अंतिम से 9 पहले डबल लाइन है, एक जगह है, इसलिए ये मोनो अनसेचुरेटेड। और कहाँ है ये? इस ओमेगा से 9 पहले है, तो नाम दे दिया इसको ओमेगा-9, और शॉर्ट में बोलते हैं ओमेगा-9 फैटी एसिड। ये अब इन तीनों की बात करते हैं, यहाँ से बात शुरू करते हैं। इसमें एक था, ये भी हमारे शरीर में बनता है। एक से ज़्यादा वाले हमारे शरीर में नहीं बनते। ये लिनोलिक अम्ल है, इसमें भी ये पहला अल्फा, ये 18वां ओमेगा, H3 है इस पर। इसमें पहला ये डबल बॉन्ड, दो लाइनें हैं लाल, ये 6 कार्बन पहले है इससे, ओमेगा से 6 कार्बन पहले, इसलिए इसका नाम है ओमेगा-6 फैटी एसिड। कौन सा है? ये लिनोलिक। फिर एक लिनोलिक, इसमें 3 है। तो ये डाई अनसेचुरेटेड, ये ट्राई अनसेचुरेटेड, और इसमें ओमेगा से 3 पहले है, इसलिए इसका नाम है ओमेगा-3, ओमेगा-3, शॉर्ट में ओमेगा-3। और ये आर्किडोनिक है, इसमें 4 है, 1 2 3 4। पहला कहाँ पर है? पहला 6 पहले है, इसलिए इसका नाम है ओमेगा-6, ओमेगा-6 फैटी एसिड। तो ये दोनों ओमेगा-6 हैं, ये ओमेगा-3 है, ये ओमेगा-9 है, ये दोनों तो हमारे शरीर में बनते हैं, फिर भी ये बिकता है। मूंगफली में खूब सारा होता है ये, फिर भी कैप्सूल के रूप में बिकता है। और ये असेंशियल फैटी एसिड्स, ये तीनों, ये अखरोट में खूब है। पैसे वाले लोग अखरोट खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। गरीब आदमी के लिए तिल में खूब है ये सूरजमुखी के तेल में खूब है। ये खाने ज़रूरी हैं, तो या तो अपन तेल में खाएं इनको, और या अपन कैप्सूल में खाएं। बड़ा हिप्नोटिक नाम है, फैंटेसी वाला नाम है, ओमेगा-3 फैटी एसिड, ओमेगा-9, ओमेगा-6 फैटी एसिड। बोलने में भी आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है, खरीदने में भी आनंद आता है, और खाते भी चाव से हैं। कौन? जो लोग घी तेल नहीं खाते हैं। तो या तो घी तेल खा लो या कैप्सूल खा लो। तेल खाने में जो एक फायदा और है, वो तेल में घुलनशील विटामिन, विटामिन A, D, E और K, ये भी हमारे को खाद्य तेलों से मिलते हैं, इन तेलों से मिलते हैं। और तेल नहीं खाएंगे तो इनके भी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। तो या तो कैप्सूल से ज़िंदगी गुजारें, या अपन प्राकृतिक भोजन करें। हम अलग अलग तरह के तेल खाएं। सर्दियों में हमारे यहाँ तिल्ली का तेल खाने की परंपरा है, सदियों से है, कोई नहीं खाता था कैप्सूल। तो तेल तो खाएं, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा? ये बात सत्य है कि देख, खाने में फैट ज़्यादा होती है तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है। लेकिन ज्यादा क्यों खाएं अपन? खाने
खाने में घी तेल उतना ही खाएं जितनी की आवश्यकता है, क्योंकि घी तेल से हमारी वो झिल्लियाँ बनेंगी, हमारी सेल्स बनेंगी, तो उनको बनाने के लिए तो खाना ज़रूरी है, और इनके लिए खाना ज़रूरी है। या तो एक कैप्सूल में खाएं या अपन घी तेल में पूरी करें इनकी आवश्यकताओं को। अब फैट के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे बिजली के तारों पर इंसुलेटर होता है, एक रबर का कवर होता है, और उसके कारण करंट एक तार का दूसरे तार में नहीं जाता। हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में जो तंतु होते हैं उनमें भी करंट प्रवाहित होता है, और एक तार का दूसरे में नहीं जाए, एक तंतु का दूसरे में नहीं जाए, उसके लिए उनके ऊपर एक आवरण होता है, माइलिन शीथ, माइलिन आच्छद, और ये माइलिन शीथ रोकती है एक तंतु के समाचार को, संवेग को दूसरे तंतु में जाने से। बहुत आवश्यक है ये, और फैट्स की बनी हुई है, ये विशेष प्रकार के फैट्स बनी हुई है, और उसकी रिपेयर भी होती रहनी आवश्यक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के फिट्स आते हैं, उन बच्चों को मेडिकली ये अप्रूव्ड है बात, लो कार्बोडाइट, कार्बोहाइड्रेट तो नाम मात्र के होते हैं, उनकी डाइट में, उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, चपाती, चावल तो नाम मात्र के होते हैं, उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट दी जाती है, और उस फैट के कारण उनके तंतु रिपेयर होते हैं, और उसके कारण उनका इलाज हो जाता है। हमारे को ब्रेन के कामों के लिए और नेत्र की ज्योति के लिए लगातार फैट की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष क्या निकालें? निष्कर्ष सीधा सा है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट हमारे शत्रु नहीं हैं, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा यानी अति हर चीज़ की खराब होती है। हम आवश्यकता अनुसार विवेक से सब काम करें, हम डाइट हमारी संतुलित लें, और संतुलित का अर्थ क्या है? संतुलित का अर्थ है कि जो जो पदार्थ हम खाने में ले रहे हैं उनका अनुपात सही हो और खाने की मात्रा सही हो। जैसे कोई व्यक्ति यदि प्रतिदिन, कोई सक्रिय आदमी है, पुरुष है, सक्रिय है वो, और खूब मेहनत करता है, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता 2500 से 3000 कैलोरी तक की है, और एक निष्क्रिय आदमी है जो कुछ नहीं करता, सारे दिन बैठा रहता है, उसके बराबर खाना खाता है, तो वो खुद अपना दुश्मन है। हम जितना खाना खाएं उतना काम अवश्य करें, और यदि हम काम नहीं कर रहे हैं तो खाने पर कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे कोशिका झिल्ली के स्थायित्व को बढ़ाता है, जो उसकी रिजिडिटी बढ़ाता है, वो इतनी बढ़ा देगा कि उसका लचीलापन ही ख़त्म हो जाएगा, और लचीलापन ख़त्म होगा तो हमारी जो कैपिलरी हैं, जो हमारी धमनियाँ हैं, वो सख्त हो जाएंगी, और तब हार्ट की बीमारी होंगी। संतुलित खाने से कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती हैं। हम मोटे होने के डर से फैट खाना बंद नहीं करें, क्योंकि फैट तो जमा हो जाएगा। हम यदि आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाएंगे, चाहे वो कार्ब भी खाएं, चाहे वो प्रोटीन ही खाएं, तो वो तो फैट में बदल कर यहाँ जमा होगा, इन गोदामों में जमा होगा। प्रकृति ने हमारे को प्रोटीन का कोई गोदाम नहीं दिया है, वो तो फैट के रूप में स्टोर होगा। प्रकृति ने हमारे को स्टार्च का भी गोदाम नहीं दिया है, थोड़ी सी ग्लाइकोजन स्टोर होती है, बस थोड़ी सी, 2-4 दिन की व्यवस्था देख सकती है वो, तो स्टोर तो फैट के रूप में होगा। अब हम ये काम ही करें कि उनको गोदाम भरनी है, और गोदाम की साइज बढ़ती चली जाती है, तो दोष हमारा है इसमें, फैट का दोष नहीं है। संतुलित खाएं और मेहनत अवश्य करें। अब संतुलित की बात मैं बताता हूँ आपको, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, कोई आदमी इनके, ये विटामिन है, बहुत फायदेमंद है, खाने चाहिए, लेकिन कोई आदमी प्रतिदिन इनके अनावश्यक कैप्सूल खा रहा है तो उसका लीवर खराब हो जाएगा। विटामिनों से रोग होता है ये, तो मित्र भी शत्रु हो जाता है यदि हम उसके साथ में ये व्यवहार करते हैं। तो बच्चे को जैसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, उसका मानसिक विकास सही नहीं होने दें, तो माता पिता बच्चे के शत्रु कहलाते हैं। हम कोलेस्ट्रॉल को दोष नहीं दें, हम अपने आप को दोष दें। हम प्रकृतिस्थ रहें, हम तेल खाएं तो कच्ची घड़ी का खाएं, रिफाइंड तेल नहीं खाएं। रिफाइनमेंट का मतलब है तेल में से उसकी ओरिजिनल, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका कलर, ये हटा देना रिफाइनमेंट कहलाता है, और बहुत तेज़ गर्म करते हैं इसके लिए। और जिस ट्रांसफैट की बात करते हैं, जो कहा जाता है कि
बार बार गर्म किया हुआ तेल नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म किया हुआ तेल नहीं खाना चाहिए। वो तो रिफाइंड तेल तो आता ही बहुत गर्म किया हुआ है, बाजार से जो लेके आते हैं वो तो बहुत गर्म किया हुआ तेल होता है। तुम कच्ची घानी का तेल खाएं, इस कच्ची घानी के तेल में ही हमारे को विटामिन मिलेंगे। हम व्यायाम करने बंद कमरों में नहीं करें व्यायाम, ट्रेडमिल पर हम खुले में जाएं। यदि पार्क में नहीं जा सकते तो छत पर ही कर लें व्यायाम। बंद कमरों में कितनी ऑक्सीजन है कितनी नहीं है पता ही नहीं होता, और ऑक्सीजन के अभाव में किसको हार्ट अटैक आएगा, कौन चक्कर खा के गिरेगा, किसकी मृत्यु होगी पता नहीं होता, रोज पढ़ने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही एक बार फिर से कहूँगा आपको कि ये वीडियो अपने परिजनों को और अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें और युवा पीढ़ी को ज़रूर दिखाएं। युवा पीढ़ी को ज़्यादा आवश्यकता है, और मित्रों को और परिजनों को बच्चों की देखभाल करने में ये हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।